अरे हाँ, तुम्हारी एक बेटी है ना, कैसी है? थैंक यू, अच्छी है, अच्छी। मैं भी दरअसल एक बेटी चाहता था, मोहतरमा से कहा भी पर वो नहीं मानी। कहती फिर बेटा हुआ तो चार आदमी संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो चीफ एक बेटी ही नहीं संभाल पाती। पर बेटियां बेहतर होती हैं, उनसे घर में रौनक रहती है। बहू के मामले में भी किस्मत खराब ही रही। तुम जानते ही हो, बड़ी बहू के साथ बात बनी नहीं, और तारिक का भी सारा हाल तुम्हें पता ही है। हाँ, और कर भी कह सकते हैं। उसके पीने की यही वजह है। उस रात हादसे में उसने भाई और बीवी दोनों को खो दिया। संभाल नहीं पाया सदमा। दिल का बुरा नहीं है, पढ़ा लिखा है, होनहार है, गलतियां करता है, लेकिन उन्हें ठीक भी खुद ही करता है। सॉकर बहुत अच्छा खेलता था वो। मैंने हमेशा उसे सपोर्ट ही किया और उससे कहा भी वो सॉकर खेलना न छोड़े, पर माना नहीं। रातों में उठ उठकर रोता रहता है, सोते हुए अक्सर बीवी का नाम लेता रहता है, देखा नहीं जाता मुझसे, इसलिए रातें मैं जाग जाग कर काटता हूं। माँ उधर घोड़े बेचकर सोती रहती है, उसे कुछ सुनता ही नहीं है। घबरा कर जब जागता है तो उसका सर सहलाकर उसकी हिम्मत बांधता हूं। रात बस ऐसे कट जाती है, पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। वक्त के साथ जख्म भरता है, ये कब भरेगा पता नहीं। दुखों के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे, उसके दोस्त भी नहीं है। खुशी में तो सब साथ होते हैं, लेकिन गम में कोई किसी का अपना नहीं होता। दर्द झेलना सबके बस की बात नहीं है। हमें लगता है कि जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौट आती है, पर ऐसा होता नहीं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। लगता है कि सब आसान है पर होता नहीं है। शराब की लत की वजह से सब दोस्त उसे छोड़ गए। सबके बच्चे बड़े होकर घर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे बेटे को हमारा सहारा चाहिए। कुछ वक्त बिताकर देखो उसके साथ, शायद वो ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल चीफ, और वो एक काफी अच्छा लड़का है। मुझसे जो हो पाएगा मैं वो सब करूंगा। सिर्फ तुम ही ले सकते हो उसकी भाई की जगह, तुम्हारी वजह से शायद वो बदल जाए। बिल्कुल सही कहा आपने।